आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हमको लॉगरिथम का थर्ड पार्ट आज फाइनली अपलोड करना पड़ रहा है। किसी कारणवश फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड पार्ट अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन जब आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे पर्सनल मैसेज करे मुझे, तब जाके मुझे फाइनली आज टाइम निकाल के लॉग का थर्ड पार्ट यानी कि लॉग टेबल को देख के वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं, वो आज हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर हमको लॉग की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमको टेबल की हेल्प लेनी पड़े, तो उसके लिए हमको दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले ये कि एक टर्म होती है नई आपके सामने जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ओके, और एक टर्म होती है हमारी मंटीसा। ये दो टर्म्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए अगर हमको लॉग की वैल्यू निकालनी है यूजिंग टेबल्स। तो पहले हमको जिस नंबर की भी लॉग निकालना होता है, पहले उसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ता है और फिर मंटीसा ढूंढना पड़ता है। इन दोनों को एड जब करा जाता है तब जाके हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि ना आपको कहा गया लॉग 5763, आपको ये वैल्यू ढूंढने को कही गई है लॉग ऑफ 5763। अब इसके बेस में कुछ ना होने का मतलब हम लोग 10 बेस 10 के लिए ढूंढते हैं, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ओके। तो अगर हमको log 5763 की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ेगा। तो ये चार प्लेस है हमारी, इन चार प्लेस को मैं अलग से लिख लेता हूं। देखिए 5763, सबसे पहले हमको इस पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है जिसमें वन प्लेस के बाद डेसिमल लगा होता है, यानी कि अगर मुझे वन प्लेस के बाद पॉइंट चाहिए तो 1, 2, 3, यानी मुझे 10^3 से मल्टीप्लाई और 10^3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो 10^3 मल्टीप्लाई वाला है ये तो पॉइंट यहाँ पर लाएगा नहीं, लेकिन ये जो है 10^3 यानी 1000 ये हमारी हेल्प करेगा इस पॉइंट को यहाँ लाने में। तो फिर ये वाला बच जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों जो है हमारे कुछ ऐसा बन जाएंगे 5.763 इंटू 10^3 ये वाला ऐसे का ऐसा। देखिए इस नंबर को हमने फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो वैल्यू बच गई वो ये है। जैसे ही हमारा ये नंबर जो हमसे लॉग की वैल्यू पूछी थी, जैसे ही ये नंबर हमारा डेसिमल फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस वक्त जो 10^ में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर के लिए। यानी कि जब हमको लॉग की इस वाली वैल्यू ढूंढनी थी तो हमको कैरेक्टरिस्टिक पहले पता होना चाहिए, जो हमने ढूंढ लिया 3। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हमारा आंसर 3+ something आएगा। अब ये जो पार्ट बचा मेंटीसा, इस वाले पार्ट को ढूंढने के लिए हमको लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि डिस्प्ले अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो मैं बोर्ड पे ही एक छोटी सी रफ लॉग टेबल बनाता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ कि मंटीसा कैसे ढूंढा जाता है। तो देखिए अब बात हो रही थी मंटीसा की, मंटीसा के लिए मैंने आपके लिए एक लॉग टेबल का छोटा सा ओवरव्यू बना लिया है यहाँ पर। देखिए इसमें होता क्या, लॉग टेबल के लेफ्ट साइड में देखिए काउंटिंग 10, 11, 12, 13, 14, 15 से चालू होती है अप टू 55 तक जाती है एक पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे 55, 56, 57, 58, up to 99 तक जाती है। यहाँ पर जो देखिए हमारे कॉलम्स हैं उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक काउंटिंग है। उसके बाद एक होता है हमारा मीन डिफरेंस में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लास्ट ये वैल्यू जाती है। आपने अगर कभी लॉग टेबल नहीं देखी हो तो या तो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होती है उन्हें मिल सकती है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती है उन्हें मिल जाएगी, नहीं तो अलग से आप लोग मार्केट से एक पतली सी लॉग टेबल की बुक भी आती है वो भी परचेज करके रख सकते हैं अपने लिए, कभी ना कभी जरूरत उसकी पड़ती रहती है। जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड के होते हैं उनको जरूरत पड़ती ही रहती है उस चीज की।
तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो था लॉग 5763, इसमें हम उसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ चुके थे, बस हमको मंटीसा ढूंढना था। अब देखिए मंटीसा कैसे ढूंढा जाता है। सबसे पहले तो 5763, अगर सपोज करिए आपके पास 5763214 ऐसे करके 5 to 6 डिजिट का कोई नंबर होता, तो उसके लिए भी हम शुरू की 4 प्लेस ही कंसीडर करते हैं मंटीसा के लिए। तो जैसे अभी हमारे पास केवल 4 ही है, मैं वो अगले एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। अभी देखिए हमारे पास केवल 1, 2, 3, 4 प्लेस हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है 57 को। 57 को चेक करेंगे हम इस वाली रो में। तो देखिए 57 मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है, ये आपको पहले पेज में नहीं दिखेगा, लॉग टेबल के सेकंड पेज में दिखेगा। तो 57 जो होगा हमारा, देखिए 57 और 6 धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। देखिए सबसे पहले तो 57 को कंसीडर करिए। तो इस रो में 57 को देखिए, ऐसे वाली में 57 कहां पे है, एक फिंगर यहां पे रख लीजिए। 57 के बाद 6 पे आते हैं। देखिए अब 6 को हमें कॉलम में देखना है, ये रहा 6, और इन दोनों को आगे बढ़ाइए, एक वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर, उस वैल्यू को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। वो आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि लॉग टेबल बहुत छोटी छोटी लिखी होती है, थोड़ी बारीकी से करना पड़ेगा ये काम। इसको और 6 को बहुत बारीकी से आपको फिंगर से लाना पड़ेगा और उसको नोट कर लीजिए। जैसे मैंने तो आपके लिए नोट किया हुआ है, ये है 7604। जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ मिलेगा 57 के 6 कॉलम पे चेक करूं तो नंबर आ रहा था 7604। ओके, अब 57 कवर हो चुका, 6 कवर हो चुका, अब नंबर आ गया हमारा 3 का। तो इसी 57 के थोड़ा और आगे चलिए, और आगे चलिए मीन डिफरेंस वाली वैल्यू पे। जो लास्ट वैल्यू होती है 3, ये मीन डिफरेंस के लिए होती है। तो मीन डिफरेंस के 3 पे आइए और अलोंग 57 ही रो पे चलना है हमको। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े, देखिए मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है, इस वाली वैल्यू पे आप आके रुकेंगे। इसकी भी समथिंग 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ वैल्यू होती है। मीन डिफरेंस वाले कॉलम में वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती है। तो हमने अभी आपके लिए नोट किया हुआ है 57 के 3rd कॉलम पे मीन डिफरेंस पे वैल्यू आ रही है हमारी 2। उस 2 को हमको इसमें ऐड करना होता है जो हमने पहले नोट की थी, ये वाली वैल्यू। तो देखिए क्या बन गया ये 6, 0 और 7, 6। तो कुल मिलाकर जो मंटीसा हमारा आया है वो 7606 है, लेकिन हमें इस 3 में ये डायरेक्टली ऐड नहीं करना। मंटीसा के लिए हमको इस वाली वैल्यू के पहले एक पॉइंट लगाना पड़ता है, यानी कि जो मंटीसा बना इसका वो बना 0.7606। मैं उम्मीद करूंगा जो मैं समझा रहा हूं आप तक मेरी बात सही तरीके से पहुंच रही है। जो भी हमारा मंटीसा मिला उस मंटीसा को हमने 0 पॉइंट लगा लेना है और 3 में ऐड करना है। अब जाके ये हमारा आया 3.7606। ये आई है हमारी वैल्यू लॉग 5763 की। 5763 का लॉग देखिए हमारा 3.7606 आया है। इसको कंफर्म करने के लिए आप लोगों के फोन में, सबके फोन में आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, आप लोग बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं ये वाली वैल्यू वहां पे डाल के, यही आंसर मिलेगा आपको। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि वैल्यू कैसे ढूंढनी है इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल लिखा है हमने आपके लिए, इस बार हमको ढूंढनी है लॉग 12576 की वैल्यू। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमको लॉग टेबल देखते वक्त तो केवल हमको 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है, इसमें हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट का आंसर पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए हमको जो पॉइंट लगाना पड़ता है उसमें 10 की पावर में अंतर आ जाएगा, डिजिट 4 हो या 5 हो। मंटीसा पे फर्क नहीं आया कुछ भी, क्योंकि उसमें तो केवल शुरू की 4 प्लेस कंसिडर करनी होती है हमको। तो देखिए अगर मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यानी एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाता हूं इसमें मैं 1, 2, 5, 7, 6 × 10^4 और डिवाइड बाय 10^4 करना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारी, ये पूरी तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 1.2576 × 10^4 में। अब ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट आ चुका है एक प्लेस के बाद, तो मैंने आपसे कहा था जो भी पावर में है वो हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इसको 4 प्लस लिख सकते हैं, देखिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ढूंढ चुके हैं। अब बात आती है मंतीसा की, तो मंतीसा के लिए मैंने आपसे कहा है इसमें 5 प्लेस भले ही हैं, लेकिन हमको शुरू की 4 प्लेस कंसीडर करनी है बस, तो हमको अब 12, 5 और 7 पे फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा था, शुरू की 2 प्लेस यानी 12 तो चेक करना है सबसे पहले वाले में। 12 देखिए ये रहा, इस 12 के बाद हमको जाना है 5 पे, ये 12 और ये 5,
यानी हम दोनों, हमको यहां ये वाली वैल्यू नोट करनी है, मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये वाली वैल्यू हमको नोट करनी है। देखिए 12 और 5 और आगे फिर 7 भी है, तो इसी 12 को आगे बढ़ाएंगे मीन डिफरेंस वाली वैल्यू पे जो की होगी, देखिए हमारी 7 पे, तो इसी को आगे बढ़ा दें, अगर यहां पर जो वैल्यू लिखी होगी, तो हमारी जो ये वाली वैल्यू होगी इसको हम कहीं नोट डाउन कर लेंगे और फिर इस वाली वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा मंतिशा। मैंने आपके लिए नोट करी हुई है, देखिए 12 की जो 5 वाली वैल्यू आ रही है वो है हमारी 0969। 12 के 5th कॉलम पे जो वैल्यू इस जगह पे आ रही है वो है 0969, और इसको आगे बढ़ाएं और 7 के मीन डिफरेंस पे आए तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 24। तो इन दोनों का अगर ऐड किया जाए, 0993, ये हमारा मंतिशा होगा क्या? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इससे पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ता है। तो देखिए ये बन गया मंतिशा हमारा 0.0993, यानी कि ऐड होने पर 4.0993, ये इस लॉक की वैल्यू हमारी आएगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करिए, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उससे। तो एक ऐसा एग्जांपल अब मैं देने वाला हूं आपको, जो मैं इसी से कन्वर्ट करके, यानी इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूं। देखो आपको एक लॉग है और वैल्यू ढूंढनी है हमको इसमें 0.0012576। देख लीजिए मैंने इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं, बस वैल्यू वही की वही है, बस 0.0012576 कर दिया है। अब मुझे इस पूरे की वैल्यू ढूंढनी है लॉग। मैंने ये रब नहीं करा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बताऊंगा अभी क्यों। देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमको इस पॉइंट को इस वन के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो काउंट करें तो 1, 2, 3 प्लेस हैं, यानी वही बात 10^3 से मल्टीप्लाई, 10^3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहां लिखूं, यहां, ठीक है हाँ, तो ये बन गया देखिए 0.0012576 इंटू 10^3 डिवाइड बाई 10^3। अब सोचने वाली बात ये है कि जो 10^3 मल्टीप्लाई वाला है, इस बार ये काम करेगा इस पॉइंट को यहां खिसकाने में, तो हमारा नंबर देखिए क्या बना, 1.2576 इंटू, ये तो हट चुका है, लेकिन इस वाली वैल्यू को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो 10^-3 बन जाएगा, यानी ये जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो 10^-3 में जो वैल्यू है ये बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक। तो इस बार क्या हम यहां पर लिख सकते हैं -3+, इस बार कैरेक्टरिस्टिक हमारी आई है -3+। अब हमको ढूंढना है मंतिशा। अब देखिए क्योंकि हमने कुछ ऐसा ही पहले भी करा था तो हमको बिल्कुल भी इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो वही हैं जो पिछले एग्जांपल में थी, तो मंतिशा इस बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखिए मंतिशा मैंने आपसे कहा था कितनी भी बड़ा नंबर हो हमारे पास, शुरू की हमें 4 प्लस लेनी पड़ती है। इसमें हमने शुरू की 4 प्लस ली थी, इसमें 0 0 तो काउंट होंगे नहीं, तो शुरू की 4 प्लस ये वाली आएंगी 1257, और 1257 को हम थोड़ी देर पहले ढूंढ चुके हैं। ये आई थी वैल्यू यहाँ पर और 24 आया था मीन डिफरेंस पे, ऐड करके ये वाली वैल्यू मिली थी। तो हमारा जो मंतिशा आया था वो बन गया था हमारा 0.0993। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास, इस फाइनल आंसर को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो देखिए -3 ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। इसको कई बुक्स में, काफी बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 3 के ऊपर बार 0.0993। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। ध्यान रखिएगा 3 के ऊपर जो बार है वो ये शो कर रहा है कि 3 माइनस का है और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। ये मैं केवल नोटेशन बता रहा हूं आपको, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप आंसर मैच करेंगे तो क्या करेंगे, ये हो गया -3 और ये हो गया हमारी प्लस की वैल्यू, यानी आंसर आएगा हमारा -2. क्या मैं वो सॉल्व करके दिखाऊं आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि ये -3 है, ये प्लस की वैल्यू है, ये काम तो आप लोग कर ही सकते हैं अपने आप। तो इस चीज से हमने क्या नोट डाउन करा, हमने ये देखा कि नंबर
अगर सेम है, यानी डिजिट्स अगर सेम है, तो वो वाली वैल्यू नॉर्मल हो या बहुत सारे पॉइंट से आगे पीछे हो, तो केवल और केवल उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बदलती है, मंतिसा उसका नहीं बदलता। तो एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेके तैयार है, लॉग 0.005। अब क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास केवल एक ही डिजिट अवेलेबल है 5, तो आप बाकी के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए 0.005 ऐसे कैसा, अब इस पॉइंट को हमको 1, 2, 3 प्लेस के बाद लाना है, तो 10^3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 10^3 मल्टीप्लाई वाला जो है वो तो इस पॉइंट को आगे लाने में इस्तेमाल हो जाएगा, तो बचेगा ये, यानी ये नंबर बन जाएगा 5.0 × 10^-3। अब 5 के बाद पॉइंट में 0 लगाओ या ना लगाओ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको बस। तो 10^ नीचे वाली चली गई ऊपर, तो फाइनली हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गया है -3। यहां पर हम लिख देते हैं -3+। अब देखते हैं मंतिसा क्या मिलता है, क्योंकि मंतिसा के लिए ही हमको 3 या 4 डिजिट चाहिए होती है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास अभी केवल एक ही डिजिट है 5। तो हम क्या करेंगे, 5 देखिए यहाँ पर काउंटिंग ही 10 से चालू होती है, तो हम लोग क्या करेंगे 50 को आएंगे नीचे 50 पे, ये ना देखिए 50 और 50 के 0 वाले पे, क्योंकि 5 के आगे कोई प्लेस है ही नहीं, इसलिए हम 50 के 0 वाले कॉलम पे चेक कर लेंगे कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 50 और उसके बाद 0, यानी 3 डिजिट यूज हो गई। जो 4th डिजिट है उसको भी 0 कंसिडर करते हैं, अगर मीन डिफरेंस में कॉलम में 0 होता तो, लेकिन वहां पे 0 है ही नहीं, इसलिए हमने 50 के 0 पे चेक कर ली वैल्यू क्या आ रही है, और वो हमने आपके लिए नोट करी हुई है, वो आ रही है 6990। अगर हो सके तो आप लोग जिस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम लॉग टेबल को साथ लेके बैठे, तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं आप हैंड टू हैंड उसको चेक करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो हमने 50 के 0 पे चेक करी वैल्यू 6990 आ गई है, और आपको पता है ये फाइनली मंतिसा नहीं होता है, क्योंकि हमको 0 पॉइंट लगाना पड़ता है इससे पहले। तो -3 + 0.6990 को एक तरीका तो मैंने आपसे कहा बाहर लगा दो, और 6990 मैं ये उम्मीद करता हूं कि पता होगा कि लॉग के अंदर यानी इस जगह पर हमको नेगेटिव नंबर नहीं अलाउड है। लॉग का डोमेन जो वैल्यू यहाँ पर पुट होती है उसे डोमेन कहते हैं। लॉग का डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, लेकिन लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है। अगर आपने किसी ने अब तक लॉग की पिछली 2 जो पार्ट हमने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखने का मजा कुछ और ही आएगा। अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर आगे आने वाली वीडियोस में अगर एंटी लॉग की भी वीडियोस आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम बिल्कुल ही निश्चित तौर पे आपके लिए वो जल्द ही लेके आएंगे। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।